अफगानिस्तान च तालिबान के कब्जे तो बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का बयान सामने आया। बाइडन ने अपने फैसले नूं सही करार दिंदिआं अफगानिस्तान च मौजूदा हालात दे लई अफगान लीडरां नूं जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका हुण अपनी फौज नूं खतरे दे विच नहीं पावेगा। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. अफगानिस्तान ते तालिबान दे कब्जे बाद अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन दा बयान, जिस च बाइडन ने अफगानिस्तान दी हालत दे लई अफगान लीडरां नूं जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि तालिबान ने तेजी के नाल अफगानिस्तान से कब्जा किया क्योंकि उत्थे अफगान लीडर देश छड फरार हुए ते हुण अमरीकी फौज जोखम नहीं चुकेगी। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We plan for every contingency, but I always promise the American people that I will be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. बाइडन ने तालिबान नूं चेतावनी दित्ती है कि जेकर अमरीकियां नूं नुकसान पहुंचाया तां सख्त जवाब देवांगे। And ensure continued operation of both the civilian and military flights. We're taking over air traffic control. We have safely shut down our embassy and transferred our diplomats. Our diplomatic presence is now consolidated at the airport as well. Over the coming days, we intend to transport out thousands of American citizens who have been living and working in Afghanistan. दो दहाके तक चली जंग बाद अमरीकी फौज की पूर्ण वापसी के नाल अफगानिस्तान च घमसान मचिया होया है। काबुल हवाई अड्डे ते देश छड्डण दे लई इकट्ठी हुई भीड़ दे नाल बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि लोग किस हद तक तालिबान तो डरे हुए ने। 3000 तो वध अमरीकी फौजी पहुंचण तो बाद काबुल हवाई अड्डे नूं मुड़ खोलिया गया है। अफगानिस्तान छड्डण लई तरलों मची हो रहे लोग काबुल एयरपोर्ट ते उड़ाणा दी उड़ीक कर रहे ने। अफगानिस्तान च मिलीजुली सरकार दे गठन दे लई अफगानिस्तान दे साबका राष्ट्रपति हामिद करजई, अफगानिस्तान दे साबका पीएम हिकमत यार अते डॉक्टर अब्दुल्ला दोहा च ने मिलीजुली सरकार दे लई तालिबान नूं राजी करन दे लई दोहा च कोशिश रहेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दी भारत दी प्रधानगी च बैठक होवेगी। अफगानिस्तान दी हालत ते बुलाई गई इस आपात बैठक च अफगानिस्तान दे प्रतिनिधि गुलाम एम इसकजई भी मौजूद सन। इस दौरान इसकजई ने कहा, मैं उन्हां लखां अफगान लड़कियां ते महिलावां दी गल कर रहा हाँ जो स्कूल जाण अते राजनीतिक आर्थिक अते समाजिक जीवन दे विच हिस्सा लैण दी सुतंत्रता गवाउण वालियां ने। यूएन दे सैकटरी एंटोनियो गुटरेस ने भी तालिबान दी कारवाई दा विरोध कीता है। I've seen the images in real time. Chaos, unrest, uncertainty and fear. Much lies in the balance, the progress, the hope, the dreams of a generation of young Afghan women and girls, boys and men. At this grave hour, I urge all parties, especially the Taliban, to exercise utmost restraint to protect lives and to ensure that humanitarian needs can be met. अफगानिस्तान की सत्ता से तालिबान पूरी तरह काबज हो चुके हैं। अपना शरिया कानून देश भर के लागू कर दिता है। उत्थे ही थां थां तालिबानी मनमर्जी करते भी दिखाई दे रहे हैं। किते खाली पे जिम दे विच दाखल होके कसरत कर रहे हैं तो कई थावां ते बच्चियां दियां पार्कां च मस्ती की जा रही है। कोई रोकण वाला नहीं, हथियार के दम से तालिबान अफगानिस्तान को डरा रहा है।
अफगानिस्तान च हालात गंभीर ने, अजिही स्थिति दे विच हर कोई उत्थों निकलण की कोशिश कर रहा है। अजिही जद्दोजहद दे विच काबुल एयरपोर्ट ते लोकां दी वड्डी भीड़ है, हर कोई अफगानिस्तान छड दूजे मुल्क नूं जाणा चाहुंदा है। अजिही गंभीर स्थिति दे विच अमेरिका, कैनेडा, भारत समेत दुनिया के कई देश अफगानिस्तान तों अपने अधिकारियों नूं वापस लिया रहे ने। अफगानिस्तान च विगड़ रही स्थिति बाद अफगान नागरिकां समेत हर कोई उत्थों निकलण दी जदोजहद कर रहा है। यह तस्वीरां इस दी गवाही भर रही ने। अमरीकी प्लेन दे विच 134 यात्रियों नूं लै के जाण दी समर्था सी, पर असल दे विच उसदे अंदर 800 लोग बैठे सी। हाले भी बाहर भीड़ अंदर वड़न दी जदोजहद कर रही सी, कई लोग जहाज़ तों हेठां भी डिगे। काबुल तो भारतीय राजदूत ते कर्मचारी इंडिया परत आए ने। भारतीय हवाई फौज का C-17 जहाज लैंड होया, करीब 120 भारतीय परते ने। अफगानिस्तान ते तालिबान के कब्जे बाद लोग खौफ च ने, लखां लोग देश छड़ना चाहते ने। अजिहे च सिख अते हिंदू भाईचारा भी मदद की गुहार ला रहे हैं। मेरी एक गुरुद्वारा में महत्वपूर्ण आदमी जो मौजूद है उनसे फोन पर बात हुई है, उन्होंने कहा तकरीबन 300 लोग यहाँ पर हैं और उनमें से 100 के करीब महिलाएं हैं और 50 बच्चे भी हैं। ये लोकल्स भी हैं और जिनके पास भारत का पासपोर्ट है वो लोग भी हैं। उन्होंने कहा खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत डरे सहमे हुए हैं सब लोग। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि तालिबान ने अभी ना तो तालिबान इस गुरुद्वारा की तरफ आया है और ना ही उन्होंने इस तरह का कोई अंदेशा जताया कि वो तालिबान से उनको अभी खतरा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जैसा माहौल यहाँ बना हुआ है ना जाने कब क्या हो जाए, इसलिए सब लोग डरे हुए हैं। लिहाजा उन्होंने भारत सरकार से यह अपील की है कि वो या तो अमेरिकन फोर्सेस से बात करें या फिर वो उनको भारत बुलाएं। कुछ सैटेलाइट तस्वीरां भी सामने आईयां ने। काबुल एयरपोर्ट ते लोकां दा वड्डा हजूम, काबुल दीयां सड़कां उत्ते वड्डे जाम देखे जा रहे ने। इस तों अलावा अमेरिका, कैनेडा, फ्रांस ते जर्मनी ने भी अपने नागरिकां ते अधिकारियों नूं वापस बुलाउण दे लई उड़ाना भेजियां ने। कैनेडा ने यात्रियों समेत अफगान नागरिकां दी वापसी नूं अगे भी जारी रखण दा ऐलान कीता है। अफगानिस्तान च कैनेडियन फौज दी सहायता करन वाले परिवारां नूं नागरिकता देण दा काम तेज़ कर दिता गया है। At the situation the Afghan people find themselves in today. This is especially so given the sacrifices of Canadians who believed and continue to believe in the future of Afghanistan. International community, I'm sure there will be some conversation around how the new regime is treated. But right now, I think everyone's focus is on the security situation on the ground and our responsibility to both our citizens who may be there, but also those who may have been connected to our work there. इस तस्वीर दा दूजा पहलू ए भी है कि अफगानिस्तान दे एक वड्डे टीवी चैनल टोलो न्यूज़ ते एक बार फिर तो महिला एंकर नज़र आउण लगियां ने। 15 अगस्त नूं तालिबान दे काबुल ते कब्जे बाद उत्थों दे सारे टीवी चैनलां ते महिलावां विखणियां बंद होईयां सन। 17 अगस्त नूं टोलो न्यूज़ दे मुखी मिराका पोपल ने एक ट्वीट कर शेयर कीता। इस दे विच एक महिला स्टूडियो दे विच तालिबान दी मीडिया टीम दे एक मैंबर दा लाइव इंटरव्यू लै रही सी। तालिबान ने 17 अगस्त नूं पूरे अफगानिस्तान च आम मुआफ़ी का ऐलान किया है। औरतों नूं सरकार दे विच शामिल होने की अपील की गई है। तालिबान ने अफगान सरकार दे कर्मचारियों नूं भी कम्मां ते परतण की अपील की है। ABP सांझा जोश जज्बा जुनून।